दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों का जो पिछले 24 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो आमतौर पर एक सवाल हमारे दर्शकों के जहन में आता है कि स्टूडियो में इतने जोशीले युवा कहां से आए हैं, किस संस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे कह लेने दीजिए, एक विचित्र संयोग है, प्रश्नोत्तरी 24 साल पूरे करने जा ही रही है, यानी 23 साल पूरे कर लिए और 23 साल के बाद पहली बार ये हुआ कि विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है, यानी 1993 में पहले रिक्रूटमेंट हुआ था 1994 में। तो 23 वर्ष क्या संयोग है, आप है असिस्टेंट इंजीनियर्स ऑफ राजस्थान पावर सेक्टर कंपनीज जो अभी अंडरगोइंग ट्रेनिंग, कहां पर? इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी SCM रीपा में। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए आप, क्योंकि बड़ी देखिए जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की भूमि वीर प्रसूता भूमि के रूप में इतिहास में दर्ज है, लेकिन न मालूम किस शापित और शाप के कारण या किस चीज से अभिशप्त होकर यहां पर पानी की बड़ी कमी है और शायद यही कारण है कि इसके कारण गुस्से का प्रकटीकरण कह दीजिए, इस धरती ने निरंतर और लगातार पानीदार और आबदार व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। तालियां बजाइए, हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं इस बात के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि चूंकि शापित है कोई अभिशाप और इसी कारण से प्रतिशोध स्वरूप वो निरंतर पानीदार व्यक्तित्वों को या जन्म देती है जिनमें आप भी हैं, जिनसे अपेक्षाएं हैं राजस्थान को, देश को, दुनिया को। तो तालियां बजाइए अपने लिए जोरदार तरीके से। आप तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो मोटे रूप से राजस्थान से जुड़े हुए सवाल हम आपसे पूछेंगे और हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि अभी अभी आप सेलेक्ट होकर के आए हैं तो आपकी जानकारियां अन्य लोगों से बेहतर होगी, कितनी बेहतर होगी इसका दिग्दर्शन करेंगे हमारे दर्शक अभी। तो एक बार तालियां बजा लें फिर आरंभ करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। मेरा पहला सवाल आपको ये बताना है, अक्षय तृतीया यानी कहते हैं अबूझ सावा, यानी उस दिन किसी प्रकार के मुहूर्त को निकलवाने की जरूरत नहीं होती, सावा हो जाता है यानी शादियां हो जाती है। आपको ये बताना है कि अक्षय तृतीया यानी आखा तीज में क्या विशेष बात है कि उसे अबूझ सावा कहते हैं, बताइए कारण और जीतिए पुरस्कार। बड़ा ही सरल सवाल बताएंगे आप? जी बोलिए आप। जी सर, अक्षय तृतीया में ये कहा जाता है कि उस दिन जो अपन दान करते हैं जी, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता, उसका बहुत महत्व रहता है। और अपने इतिहास में पुराणों में बताया गया है, पहले बताते थे कि कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता जी, और उस दिन जो दान होता है उसका बहुत महत्व होता है, इसलिए अक्षय तृतीया पे। आप कन्या दान को प्राप्त हो गए? नहीं सर, फिलहाल नहीं फिलहाल नहीं हुए। तालियां बजाइए। प्रशांत सिंह राठौड़। प्रशांत सिंह राठौड़ के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए प्रशांत जी ने कहा कि तप यानी उसका आपने वर्ड किया वेस्ट नहीं होता, हम ये कहेंगे अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता, यानी जो आपने तप किया है यानी जो दान किया है उसका पुण्य आवश्यक रूप से मिलेगा। और हमारे वांग्मय में, हमारी संस्कृति में, हमारे रीति रिवाज और परंपराओं में विवाह यानी कन्या का विवाह यानी कन्या दान, इससे श्रेष्ठ कोई दान नहीं माना गया, इसलिए ये परंपरा रही कि अक्षय तृतीया को आवश्यकता इस बात की नहीं है, हम तो अबूझ सावा है इसलिए बहुत शादियां होती है, हम कामना करते हैं शीघ्र ही आप भी मुस्कुराएं। जोरदार तरीके से तालियां बजाइए अपने लिए। देखिए सिकंदर महान ने कई विजय प्राप्त की,
लेकिन एक शख्सियत उसके अतिरिक्त और है, एक महान योद्धा जो भारतीय योद्धा था, जिसने दुर्गम प्रदेशों वाले, रेगिस्तानी इलाकों वाले अफगानिस्तान में विजय प्राप्त की। एकमात्र व्यक्तित्व आपको बताना है उनका नाम और जीतना है पुरस्कार। आपको पूछू मैम? जी बोले आप। सर मान सिंह जी प्रथम थे जो। मान सिंह जी प्रथम, वो कहाँ के राजा थे? अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मैम, ऐसे नहीं। हाँ सर, आमेर के। आमेर के, ये सुन करके या याद आ गया? मुझे याद आ गया। देखिए आपका श्रेय जो था ना वो अक्षय है, क्योंकि आपकी जानकारी असीम है, लेकिन उससे आपको वंचित करने का षड्यंत्र तो नहीं था। मदद थी। आपका शुभ नाम? सुशीना सौंद। शीना सौंद के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार करके तालियां बजाइए। शीना जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए अफगानिस्तान का जो तत्कालीन शासक था मिर्जा मोहम्मद हकीम, वो भारत के पंजाब क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था, और अकबर ने 19 जुलाई 1559 में मान सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी और युद्ध हुआ, और उन्होंने जितने भी कबीले थे, जितने भी सूरमा थे, जो आक्रांता थे, उनको हरा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया और विजय पताका फहराई। तालियां बजाइए ऐसे सबसे पहले सम्मान मिला। देखिए जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की लोक संस्कृति की बात करते हैं, और राजस्थान की लोक संस्कृति की जब बात करते हैं तो लोक गीतों की बात करते हैं, लोक गीतों की जब बात करते हैं तो लोक नृत्य की जब बात करते हैं, और ऐसा ही एक कालजयी लोक गीत है जिस पर नृत्य किया जाता है, वो है पुदीना। पुदीना आपने सुना होगा, कोई बता सकता है? मारो हरियो पुदीनो। ठीक है, आइए पहले आपको इससे रूबरू कराते हैं। आपसे उत्तर तो बाद में दे देना, पुरस्कार आप जीत ही लेना, एक नहीं मैं अधिक दे दूंगा। आप पहले तो तन्मय होकर के सुनिए, मस्त हो जाइए, नाचिए। ठीक है, नायिका की व्यथा क्या है, वो पुदीने को नीचे झुकने के लिए क्यों कह रही है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। जी सो गायिका कह रही है, गायिका नहीं नायिका। और टेक्निकली यू आर करेक्ट बिकॉज यू आर ए टेक्निकल स्टूडेंट, क्योंकि जो गायन कर रही है यानी जो गायिका है वो क्या कह रही है। सो पर क्या है, थोड़ा टेक्निकलिटी में थोड़ा सा भावना है ना, उसको ऐड कर दीजिए। उसे भावना का जब तड़का लगता है तो गायिका की जगह क्या निकलेगा? नायिका। मिली मिली कि नहीं नायिका? जो नायिका है वो पुदीने को झुकने के लिए कह रही है, वो कह रही है कि जो मेरे ससुर जी है उनको तो गेहूं और जौ पसंद है जी, लेकिन जो मेरी सास है उनको थोड़ा हरा हरा पुदीना पसंद है, तो जिस प्रकार थोड़ा या घना मतलब हरा पुदीना पसंद है, पसंद है, तो मैं जिस तरीके से झुकती हूँ उनके सामने अच्छी तरीके से आप भी झुके। अच्छा ऐसा है क्या? पहले शुभ नाम क्या है? हर्षवर्धन बियानी। हर्षवर्धन, अब ये आप नाम ही हर्ष है, और अगर हर्षाऊं नहीं मैं आपको तो ज्यादा भी करूंगा। ताली फिलहाल बजा दीजिए। वो ये कहती है कि ससुर जी के लिए जौ और चना उनको पसंद है भोजन में, और सास को पुदीना, हरा पुदीना, पुदीने की चटनी। तो जो चटनी है वो मुझे तो इतने प्रिय है
कि वो मेरे आंखों का जैसे काजल होता है उतनी प्रिय मुझे है, और इसलिए वो कह रही है उससे जो जा रहे हरिया पुदीना। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने के पीछे औचित्य यह है कि आम तौर पर हम फोक म्यूजिक को सुनते नहीं, नंबर एक, सुनते भी हैं तो ध्यान नहीं धरते, नंबर दो, ध्यान धरते हैं तो ये समझने की चेष्टा नहीं करते कि मूल मंतव्य क्या है, भाव क्या है, उद्गार है, उसके पीछे पूरी फिलॉसफी होती है, हमारी जो संस्कृति रही है, जीवन शैली रही है, दिनचर्या रही है, उसका दक्ष दर्शन और प्रकटीकरण होता है उनके माध्यम से। तालियां बजाइए जोरों से। देखिए राजस्थान में सभी स्थानों पर, और मैं चाकसू उसके बारे में एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके पास गांव है शील की डूंगरी, और वहां पर प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी को यानी चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मेला भरता है शीतला माता का। आपको ये बताना है किस उद्देश्य से, किस भावना से श्रद्धालु लोग वहां पर हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं या शीतला माता की पूजा करते हैं, क्या सोच करके, क्या उनके दिमाग में होता है, क्या मान्यता है, उसे बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। जी बोले सर, शीतला माता की पूजा इसलिए की जाती है ताकि माता या फिर बोधरी की कोई बीमारी होती है वो हमें ना हो, तो उनको मनाने के लिए लोग हजारों की मात्रा में इकट्ठा होते हैं। सर भावना राजोरा। भावना राजोरा, तालियां जोरों से बजाइए, भावना जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, भावना जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भावना जी की भावना के अनुकूल, मेरी भावना के अनुकूल, प्रश्नोत्तरी की भावना के अनुकूल आपने जो हर्षनाद किया उसके लिए बधाई, आपको तालियां बजाइए। देखिए हर जगह की परंपराएं अलग अलग होती है, और जब भोजन की बात चलती है तो अलग अलग जगहों पर विशिष्ट व्यंजन होते हैं, अलग अलग रेसिपीज होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। और जब अलग अलग जगहों की बात करते हैं, कई जगह छोटा गांव भी हो सकता है, कस्बा भी हो सकता है, मोहल्ला भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, तो कहते हैं वहां की ये मिठाई बढ़िया, वहां का ये पकवान बढ़िया, ऐसी हम चर्चा आमतौर पर किया करते हैं। आपको ये बताना है कि जयपुर की जब बात चलती है और पारंपरिक जब भोजों की बात चलती है तो वहां पर एक चीज, अन्य जो चीजें थी उन व्यंजनों के अतिरिक्त, वो है चौगुनी के लड्डू। आपको ये बताना है कि मोगरी, सिंगरी का साग और बेसन के भुजिए, उनके साथ साथ ये जौनारों में चौगनी के लड्डू भी होते थे। ये चौगनी के लड्डू क्या होते हैं, या ये नाम इन लड्डुओं का चौगनी के लड्डू क्यों पड़ा, ये आपको बताना है, बड़ा ही सरल सवाल। चौगनी के लड्डू, खड़े होइए साहब आप। जी सर, इसमें बेसन से चार गुना शक्कर मिलाते हैं। खाए कभी कि आपने या नहीं? बिल्कुल सर। कहाँ खाए? घर पे। अच्छा, इससे तो सेफेस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता। एक चीज बताइए, वैसे ये हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी चौंके, क्योंकि आजकल डायबिटीज, आप समझ रहे ना, जीरो फिगर, ओबेसिटी, तो कॉन्शियस बहुत है लोग, फिर भी आप घर पर चार गुना शक्कर मिला करके चौगुनी के लड्डू बना करके जीमते हैं या चखते हैं? सर बिल्कुल जीमते हैं सर। तालियां बजाइए आपका। शुभ नाम, शुभ नाम क्या आपका? आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में प्रसाद में चौगुनी के लड्डू दिए जाते हैं, तो आप वहां पर प्रसाद चख सकते हैं। तालियां जोरों से बजाइए फिलहाल इनके लिए। देखिए हम जब संस्कृति की बात करते हैं, राजस्थान की जब बात करते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि हम फिल्मी गीत क्यों बजवा रहे हैं, क्योंकि फिल्में जो हैं उनका अप्रतिम योगदान रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, देश को एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं, तो फिल्मों का योगदान
उसके महत्व को कम करके आका नहीं जा सकता। आपने इतनी बड़ी मशक्कत की है इतनी, तो आइए थोड़ा रिलैक्स होइए, दो गाने सुनिए आप, और फिर छोटे मोटे हल्के 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 फुल्के सवाल आपसे पूछूंगा। इस बार मैदान जंग में आकर के नृत्य करना है आपको, तैयार हैं? तालियां बजाइए इन गीतों के लिए। सवाल दिल विल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे और मेरे सामने वाली खिड़की में, तो दोनों में गायन किसने किया ये आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। बड़ा ही सरल, इससे सरल हो ही नहीं सकता सर। हाँ हाँ जी बोलिए आप, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ हाँ जी, दिल विल प्यार व्यार, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। वाह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और कोई, और कोई, आप जी बोले। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, श्योर? शुभ नाम? ख्याति रावत। ख्याति जी थोड़ी सी चूक हो गई मैम आपसे, ख्याति जी सही है, तालियां जोरों से बजाइए ख्याति जी। ओके, क्योंकि इतना सरल था, नहीं तो मैं लता के लिए भी दे देता अगर कोई नहीं होता, लेकिन करेक्ट आ गया। अब दूसरा रहा, बोलिए आप, बोलिए चलिए साहब दूसरा, मेरे सामने वाली खिड़की में किशोर कुमार। अच्छा वैसे सामने वाली खिड़की में नहीं सर। नहीं मैं तो वैसे ही, मैं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही बोला, वो गाने के वो बोल है ना। नहीं सर मेरे हो गया सर अक्षय तृतीया वाला। शुभ नाम क्या आपका? सर कदम वशिष्ठ। कदम वशिष्ठ, कदम बढ़ाएंगे दोनों के लिए। दोनों से देखिए, राजस्थान में जब साहित्य की बात करते हैं, राजस्थानी वांग्मय की बात करते हैं, तो एक शब्द आता है ख्यात, उनका विशिष्ट महत्व है राजस्थानी साहित्य में। आपको बताना है कि ख्यात क्या होती है। ख्यात, हम ख्यात के बारे में, ख्यातों के बारे में पढ़ते हैं, ख्यात क्या होती है। खड़े होइए साहब आप। जी जी सर, ख्यात है जो राजा महाराजाओं के जो उनकी जो वंशावली है, उनके साम्राज्य की उसकी वर्णन है, वो ख्यात है। तो मोटे रूप से एक वंशावली तो एक एस्पेक्ट हुआ, हम ये कह सकते हैं ये इतिहास परक ग्रंथ होते हैं, उस समय की जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वंशावली भी है इत्यादि का उनमें जिक्र रहता है। यस सर। ठीक है, आपका शुभ नाम? रवि प्रकाश मीणा। रवि प्रकाश मीणा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तरीके से, जोरदार तालियां बजाइए। मूथा नैंसी की ख्यात और दयाल दास जी की ख्यात, कई ये जो है
ज्यादा प्रसिद्ध है, उनके लिए भी तालियां जोरों से बजाइए। अब हम आपको रूबरू करा रहे हैं विग्रह यानी मूर्ति और उसके पीछे कपड़े पर चित्रित एक पेंटिंग। आपको ये बताना है कि इस शैली को, इस चित्र शैली को क्या कहते हैं। विग्रह मूर्तियों के पीछे पेंटिंग्स, इस शैली को क्या कहते हैं, पहचाने और बताएं शैली का नाम क्या है। ये पीछे हुआ करती है विग्रह के या मूर्ति के, बताइए इन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है ये विशिष्ट रूप से शैली। बोलिए आप जी। हाँ आगे आगे आ जाइए जी। नाथ द्वारा शैली है? नहीं, नाथ द्वारा शैली नहीं, इसका एक विशिष्ट नाम है, पेंटिंग का शैली का विशिष्ट नाम है। खड़े होइए आप जी। बूंदी शैली? नहीं, बूंदी वो पेंटिंग की शैली में नहीं। मैंने आपसे हिंट दिया था कि जो विग्रह या मूर्ति होती है उसके पीछे खाली जगह होती है दीवार पर, उसको ढकने के लिए पारंपरिक रूप से जो पेंटिंग्स लगाई जाती है, जो चित्र लगाए जाते हैं, उन्हें एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है ये आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। बताएंगे आप जी? बोले पिछेली। पिछेली नहीं, पीछे की तो है, आपने यू आर टू द पॉइंट, पिछेली। लेकिन सही सही, आप आइए मैम, आगे आइए आप, थोड़ा आगे आइए क्योंकि और लोग बहुत हैं। हाँ जी, आगे आगे आ जाइए। पिछवाई। शुभ नाम आपका? राजश्री। राजश्री जी के लिए तालियां बजाइए। थोड़ी सी चूक हो गई मैम, है ना, हल्का सा पिछेली। कई बार क्या होता है कि हम मूल रूप से उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, तो मैम आपने कॉन्सेप्ट की बातों कही क्योंकि पीछे होती है इसलिए पिछवाई, पीछे की खाली दीवार पर जो चित्र होता है तो वो पिछेली की जगह उसका नाम क्या है, पिछवाई। और अगर कोई और नहीं होता तो मैं आपको पुरस्कृत कर देता कि शायद पिछवाई का अपभ्रंश हो गया है पिछेली। लेकिन मैं क्या करूं, आपके जो पिछेली है वो ज्यादा स्मार्ट निकली है, इसलिए पुरस्कार देना पड़ा। देखिए जब सोने की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का नाम आते हैं, हिंदुस्तान की बात होती है, यानी सोना सोना और सोना, सोने के आभूषण आभूषण आभूषण, बचत करने की बात हो, श्रृंगार की बात हो, आभूषण हर भारतीय नारी आभूषण, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि कंजम्पशन की जब बात आती है तो हिंदुस्तान में सर्वाधिक कंजम्पशन है, वो अपने आप में एक अलग जानकारी है कि कितना है, खपत होती है प्रतिवर्ष वगैरह वगैरह, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे, आप बताएं कि राजस्थान में लगभग 2.5 करोड़ टन सोने के अयस्क और जिसे कहते हैं उसके अनुमानित भंडार हैं, जिनको प्रोसेस करने के बाद में स्वर्ण प्राप्त किया जा सकता है। आपको यह बताना है कि कई जगह अलग अलग पट्टियां हैं अयस्क की ओर की। सबसे बड़ी सोना अयस्क पट्टी राजस्थान में कहां पर है, मैं क्लू दे दूं, बांसवाड़ा जिले में। अब बांसवाड़ा जिले में उसका नाम क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। भूकिया जगतपुरा। भूकिया जगतपुरा, आप अभी भी हाथ नीचे कर लिया। शुभ नाम? दीपाली। दीपाली के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से दीपाली के लिए जोरदार तालियां, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर जो सोने के भंडार हैं वो सल्फाइड के साथ में है, पर आपकी जबरदस्त जानकारी और आपके अतिरिक्त भी करीब करीब सभी को जानकारी थी, तालियां बजाइए अपने लिए जोरदार तरीके से आप। देखिए जब हम लोक गीतों की बात करते हैं तो उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, मारा
अब मेरा सवाल, आह्वान क्यों कर रही है, इतने इल्तिजा क्यों कर रही है, इतने प्रॉमिसेस नायिका कौवे से क्यों कर रही है? मूल भावना, मूल मंतव्य, मूल बात क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपको पूछा मैंने पहले, पूछा सवाल नहीं पूछा आपको, बताइए आप जी। नायिका का जो पति है वो दूर गया हुआ है, तो उससे कौवे से रिक्वेस्ट कर रही है कि तू जा और पता लगा के आ कि वो कब आएंगे, और फिर मैं तुझे खीर पूरी और बहुत सारा अच्छा अच्छा खिलाऊंगी। और कोई सोनारी चौंच बना दूं, वो बना दूं कागा, है ना, सोने की चौंच बना देगी। है आपका शुभ नाम? साक्षी। साक्षी जी, साक्षी रहे, आप क्या कह रही है इस बात के लिए पूछ रहा हूँ, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप इतनी गूढ़ जानकारियां कैसे रखती हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। ये कहती हैं एक्सपीरियंस है। तो एक चीज ये बताइए, देखिए आपकी वेदना में आपके जो साथी है आपके साथ है। सवाल दर्शक सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों कामना करती है कि कौवा शगुन लेकर के आए, कि वो घर कब लौटेंगे, वो इतना दूर लंबे समय तक क्यों रहते हैं, ये बताएं आप। मजबूरी है इसलिए रहना पड़ता है। एक बात, ये उनकी मजबूरी है इसलिए रहना पड़ता है या आपकी मजबूरी है? एक तरह से दोनों की। तालियां जोरों से बजाई, शुभ नाम क्या बताया आपने? ताली में जोरदार तालियां बजाई, जोरदार तालियां बजाई। देखिए अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, एज ए रिचुअल हम एक गायन और आपने एक गीत चुना है। कौन सा गीत चुना है आपने? अलगोजा। तो शुरू करें, आवाज में दम नहीं है, हाँ या ना? जोरदार तरीके से। उमारा चेल बवर का, उमारा चेल बवर का, अलगो जा खेता में बाजे, खेता में बाजे, मेरा में बाजे। उमारा चेल बवर का, उमारा चेल बवर का, अलगो जा खेता में बाजे। जयपुर के बाजार में दो चार लुभाया जा, दो सांवली कोई दो दो फल का खैर, मारा चल बवर का, ओ मारा चल बवर का, अलगो जाके तामे बाजे। ओ मारा चल बवर का, ओ मारा चल बवर का, अलगो जाके तामे बाजे। देखिए कई परंपराएं होती है और कई रिवाज होते हैं, उन परंपराओं के पीछे कुछ मंतव्य होता है। एक ऐसी ही परंपरा है, बड़ी सौम्य शालीन और रसिकता से परिपूर्ण जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो देर रात तक बाहर विराजते हैं और दुनिया भर के जितने भी विषय हैं, दुनिया भर के ऐसा आपस में मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, एज इफ यूनाइटेड नेशंस है। और अभी अभी ये निर्णय जो कर लेंगे वो सुबह लागू हो जाएगा। आपको बताइए विशेष रूप से जोधपुर में और बीकानेर में, और विशेष रूप से जो पुष्करणा, देखिए पीढ़ियों से ये परंपरा चली आती है और जो सामाजिक विषमताएं हैं, सामाजिक सरोकार की जो चीजें होती है, तात्कालिक घटनाएं होती है, आसपास की जो बातें होती है, उन सब के बारे में अपना अपना लोग चिंतन करते हैं। अब आइए आपको एक सवाल, कई बार ये बात चलती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की आन बान और शान की बात करते हैं, राजस्थान के शौर्य की बात करते हैं, और दुनिया में जब ये बात करते हैं कि राजस्थानी लोग कितने जीवट के धनी हैं, और जैसा कि आरंभ में हमने कहा कि अभिशप्त है शायद किसी शाप से, और इसलिए प्रतिरोध स्वरूप पानी को तरसती ये धरा आवश्यक रूप से और निरंतर पानीदार व्यक्तित्वों को जन्म देती है। तो एक ऐसा ही पानीदार और आबदार व्यक्तित्व जिसके नाम मात्र से, नाम स्मरण से हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, महाराणा प्रताप। आपको ये बताना है कि विश्व प्रसिद्ध
हल्दी घाटी का युद्ध कितने वर्षों तक, कितने महीनों तक, कितने दिनों तक चला बताइए और जीतिए पुरस्कार। कितने वर्षों तक, कितने महीनों तक, कितने दिनों तक चला और जीतिए पुरस्कार। थोड़ा इधर आ जाने दीजिए सब, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा। यस मैम, बोले आप। एक दिन 6 आवर्स। एक दिन 6 आवर्स, यानी एक दिन प्लस 6 आवर्स, या एक दिन में 6? एक दिन में 6, सिर्फ एक दिन, और वो भी सिर्फ 6 घंटे, 8 बजे से 2 बजे तक। अच्छा, सुबह 8 बजे से। आपका शुभ नाम क्या है? योगिता बिश्नोई। योगिता, देखिए योगिता हम कह सकते हैं अपभ्रंश है योग्यता का। तो क्या बात है, आप में तो जानकारियां असीम है। अच्छा एक चीज ये बताएं, आम तौर पर इतने धारा प्रवाह नहीं होते क्योंकि आवेग नहीं होता, और आवेग इसलिए नहीं होता कि जानकारियां नहीं होती। आप ऐसा कैसे करती हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बताएं। स्टडीज से, आर्टिकल स्टडी। अच्छा, आर्टिकल्स वगैरह। तो आप क्या दिन भर पढ़ती रहती है, रात भर भी, या सिर्फ 6 घंटे? नहीं सर, जब भी टाइम मिलता है। जब भी टाइम मिलता है। शुभ नाम क्या बताया? योगिता बिश्नोई के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजनी चाहिए, जोरों से। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं दो कालजयी फिल्मी गीतों से। रूप से मारवाड़ में स्त्रियां कुमार के घर जाती है और एक घड़ा छिद्रों वाला लेकर के आती है, उसमें दीपक रखा जाता है और फिर वो गली गली घूमती है। आपको ये बताना है कि शीतला अष्टमी के शाम को इस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है, उस घड़े को जिसमें छिद्र होते हैं, दीपक जलता है, उसे क्या कहते हैं, और किसका प्रतीक है वो घड़ा। ये 3 पुरस्कार दे दूंगा, बताइए और जीतिए पुरस्कार। 3 पुरस्कार, पहले तो मेले का नाम, जलसे का नाम, पर्व का नाम, त्योहार का नाम, इत्यादि इत्यादि। आपको पूछा मैंने पहले, श्योर जी बोले आप। गुड़ला त्योहार। गुड़ला,
शुभ नाम आपका? नीतू सुमन। नीतू सुमन के लिए तालियां जोरों से बजाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपको ये बताना है इसका ये कोई गीत है, कौन सा गीत है? इस अवसर पर एक गीत गाया जाता है। अच्छा, एक लड़की ने, बच्ची ने हाथ खड़ा किया पहले, उधर फिर आपके पास आऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। जी बोले आप? गुड़लो घूमेला जी, घूमेला। गुड़लो घूमेला जी गाना आता आपको? नहीं सर, सुना हुआ है। सुना हुआ है। आपका शुभ नाम? रेखा चौधरी। रेखा चौधरी जी के लिए तालियां बजाइए। गुड़लो घूमेला जी, घूमेला। और आप सभी ने अभी आपको सुनवाएंगे। तेल बड़े घी घाल गुड़लो घूमेला जी, घूमेला सुहागण बारे आ गुड़लो घूमेला जी, घूमेला मोचारा आखा लाव गुड़लो घूमेला जी, घूमेला। तालियां जोर से बजाइए अपने लिए। गुड़ला किसका प्रतीक है? कोई अगर बता सके गुड़ला प्रतीक किसका है? गुड़लेखा। एक प्राचीन घटना थी, अब आप थोड़ा सा चूके चलिए बता दीजिए, प्राचीन घटना ही बता दीजिए संक्षेप में। सर, राव सातल देव ने गुड़ला का सिर काटकर मतलब पूरे जोधपुर में, मारवाड़ में घुमाया था, तो क्योंकि वो कुछ कन्याओं का अपहरण उसने कर लिया था और अजमेर का सूबेदार था, और फिर वो सर काट के कन्याओं को मुक्त करा करके लाया था, और उसके लिए ये स्मृति में उस पर गुड़ला मनाया जाता है। आपका शुभ नाम? कमल कुलेरी सर। वाह क्या बात है कमल साहब, क्या बात है कमल साहब, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए कमल साहब के लिए। तो आइए अब नृत्य कीजिए घुड़ले पर। संख्या में पधारते हैं, इतना इंतजार करते हैं, इतने उत्साह का प्रदर्शन करते हैं, तो दर्शक भी आह्लादित हो जाते हैं और दुनिया भर में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम देखा जाता है, तो सब लोग कहेंगे कि राजस्थान का भविष्य विशेष रूप से, यानी बिजली विभाग का विशेष रूप से, यानी आम आदमी का विशेष रूप से भविष्य उज्जवल है, क्योंकि बिजली के बिना कुछ भी नहीं। और आप जैसे लोग जब इस विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर्स बन करके डायरेक्टली रिक्रूट होकर के आएंगे, तो हम कहते हैं हमारे लिए अवसर है नर्तन करने का, नाचने का, गाने का, जश्न मनाने का। तालियां बजाइए अपने।